परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दूसरे के हमसफर बन चुके हैं। 24 सितंबर को इन दोनों की उदयपुर के द लीला पैलेस में धूमधाम से शादी हुई थी। राघव परिणीति की शादी में उनके परिवार के अलावा सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद थे। शादी के बाद अब उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बीते दिन परिणीति की वेडिंग की कुछ वीडियो सामने आई थी, जिसे देखकर ये साफ पता लग रहा था कि एक्ट्रेस अपनी जिंदगी की इस नए सफर को शुरू करने के लिए कितनी एक्साइटेड है। अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी में अब राजनेता राघव चड्ढा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राघव के एक फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ नजर आ रहे हैं, जहां पर परिणीति चोपड़ा के परिवार ने वेडिंग वेन्यू पर दूल्हे राघव चड्ढा का खूब धूमधाम और धड़ाके के साथ ढोल नगाड़े के साथ उनका जमकर स्वागत किया। राघव भी ढोल नगाड़े की बीट पर फुल एंजॉय करते हुए नजर आए। वही आपको बता दें कि शादी के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अब दिल्ली लौट आए हैं। दोनों को बीते दिन उदयपुर से निकलते हुए स्पॉट किया गया था। इसके अलावा जब राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दिल्ली पहुंचे तो एक्ट्रेस के भाइयों ने उन्हें सरप्राइज दिया। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की 13 मई 2023 को सगाई हुई थी। उनकी सगाई का फंक्शन दिल्ली के कपूरथला में हुआ था। साथ ही रिपोर्ट्स की अगर माने तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दो रिसेप्शन करने वाले हैं। उनका पहला रिसेप्शन चंडीगढ़ में होगा और दूसरा दिल्ली में होगा।